इंडियन मॉम केयर माय वे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोग के सामने एक और नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 6 हेयर स्टाइल, वो भी क्लचर के साथ, जो हम अपने रोज के कामों में, ऑफिस हो या फिर घर हो, हर जगह पे इस हेयर स्टाइल को यूज करते ही हैं। तो प्लीज़ देखिए और सीखिए कि मैं किस तरीके से ये सारे हेयर स्टाइल बनाती हूँ। आपको बस से देखना है एकदम ध्यान से और आप लोगों को खुद ब खुद आ जाएगा ये हेयर स्टाइल बनाना। तो अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबा दे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सो गाइस, चूंकि ये डेली वेयर हेयर स्टाइल है, जब हम अपने कामों को करते रहते हैं तो हम लोग अक्सर इस तरीके से अपने हेयर स्टाइल को बना लेते हैं। तो अगर आप लोगों का इस तरीके से हेयर बनाते समय थोड़ा सा इधर उधर बाल निकल जाए तो कोई बात नहीं है, उस तरह भी ये लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल होता है ये क्लचर के साथ जो भी हेयर स्टाइल हम बनाते हैं, और बहुत ही अच्छा सा लुक भी देता है। तो आप लोग भी ज़रूर इनमें से कोई ना कोई हेयर स्टाइल अपनाते ही होंगी और अपना इस तरीके का हेयर स्टाइल बनाती ही होंगी। सो गाइस, तो ये मेरा नेक्स्ट हेयर स्टाइल है जो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से मैं अपने बालों को पोनीटेल करने के बाद फोल्ड करके पीछे की ओर ले गई हूँ और उसके बाद मैंने फिर से क्लचर को लगा लिया है। और जो भी एक्स्ट्रा बाल निकले हुए हैं उसे आप अंदर घुसा लो या फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, अगर इस तरीके से मैंने बालों को पीछे किया और मेरे एक्स्ट्रा निकले हुए सारे जो बाल थे वो हाइड हो गए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ। तो नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए फिर मैंने वही पोनीटेल को दोबारा से मैंने ये एक जूड़ा के शेप में कर लिया है, ये आप लोग देख सकते हो। तो जूड़ा के शेप में बनाने के बाद मैं इस पर फिर से एक लगा लूँगी क्लचर, तो ये आप लोग देख सकते हो। और क्लचर लगा लेने के बाद आपके जूड़ा जो हैं बन वो सेफ हो जाते हैं, जल्दी निकलते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो। ये भी हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है और अच्छा सा लुक दे रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, एक दो बाल इधर उधर निकल जाए तो कोई बात नहीं है, मैसी टाइप का लुक आता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो फिर ये मेरा नेक्स्ट हेयर स्टाइल है, ये आप लोग देख सकते हो। तो नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए फिर से मैंने यहाँ पे एक और पोनीटेल बना लिया है और ये थोड़ा हाई पोनीटेल है, तो ये आप लोग देख सकते हो। तो फिर से मैंने हल्का सा अपने बालों को फोल्ड किया हाई पोनीटेल करके, और यहाँ पे मैंने रबर का यूज़ नहीं किया। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक लंबा सा क्लचर लगा रही हूँ, इससे पहले मैंने स्मॉल क्लचर को यूज किया था, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये भी मेरा एक बहुत ही अच्छा सा लुक बन गया है और ये हाई पोनीटेल के साथ है। पहले वाला जो मैंने दिखाया था वो स्मॉल पेन पोनीटेल था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर सा मेरा हेयर का लुक हो गया है उस क्लचर को लगाने के बाद, और पीछे सारे बालों को मैंने कर लिया है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ही प्यारा सा लुक भी आ रहा है साथ ही साथ, तो ये बहुत ही सुंदर सा लुक आ रहा है। और इसी में मैं और एक नया ट्विस्ट करूँगी, तो जितने भी मेरे बाल पीछे की ओर निकले हुए थे उसको मैंने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है और अंदर की ओर मैंने टिक टैक पिन से उन्हें सिक्योर कर लिया है, और ये एक बन टाइप का लुक दे रहा है, ये आप लोग देख सकते हो, और काफ़ी स्टाइलिश भी दिखने में लग रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने हेयर को स्टाइल कर सकती हैं। तो अब बारी है नेक्स्ट लुक की, तो नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ जो आप लोगों को अभी दिखेगा। तो नेक्स्ट लुक के लिए बस सिंपल सा मैं बाल को उठा लूँगी चारों तरफ से, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, तो यहाँ पे भी मैंने पोनीटेल की तरह अपने बालों को बना लिया है और यहाँ पे मैं फिर से लगाऊंगी स्मॉल क्लचर। इससे पहले जो मैंने लगाया था वो बिग वाला क्लचर था, बड़ा क्लचर था, तो यहाँ पे मैंने फिर से स्मॉल क्लचर लगा लिया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से मैंने क्लचर को अपने बालों से हाइड कर दिया है, ये आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद नीचे से मैंने अपने बालों को किया फोल्ड और उसके बाद मैंने इसे एक जूड़ा का लुक दे दिया है, और क्लचर से ही मैं जो एक्स्ट्रा हेयर था उसे अंदर की ओर दबाते हुए टक कर लूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा एक सुंदर सा जूड़ा बन के रेडी हो गया है, और ये कितना सुंदर सा लग रहा है दिखने में। तो आई होप आप लोगों को भी मेरा ये
जुड़ा स्टाइल अच्छा लगा हो, वो भी क्लचर के साथ, तो ये आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा सा